हुआ है 57 में, 1957 में ये पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ और किसी ने हमारे पार्टी के नाम के रजिस्ट्रेशन के खिलाफ केस भी डाला, तो इलेक्शन कमीशन ने ये कह दिया कि हम इस तरह का नाम रजिस्टर नहीं करेंगे। दूसरी बात यह है कि अकाली दल है, शिवसेना है, ऐसे डीएमके है, एआईएडीएमके है, तेलुगु देशम है, ये सब चीजें हैं। दोनों का रीजनल रीजनल पार्टी रीजनल मैं नेशनल बोलना चाह रहा हूँ, हमने नेशनल बोलना चाह रहा हूँ, इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप जैसे लोग हमारे करीब आए, लीडर बने, मैं आपके पीछे काम करूँ। और हम लोग हैदराबाद में जो हालिया बल्दिया के इंतखाबात हुए थे, बल्कि इम्तियाज जलील साहब यहाँ पर जो हमारे 25 कॉर्पोरेट औरंगाबाद में जीते थे, 26 जीते थे, उसमें से कितने 6 दलित थे जिसमें से 4 तो अनरिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी जीत कर आए। हैदराबाद में यहाँ से पिछले बल्दिया इंतखाबात में अमित शाह के जगह पर कैंपेन किए, जहां पर ये योगी गए जिसको लोग कहे आप कैसे हरा ले, जहां जहां योगी के वहां पर हमारा हिंदू दलित कैंडिडेट जीता अनरिजर्व सीट से। तो मेरा मानना ये है कि वो बोलते ना कि अंग्रेजी में कहावत है कि द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग, आप अपने किरदार से अपने काम से उनको खरीदते हैं, इससे तकारीफ से कुछ नहीं होने वाला, हम वो कर रहे हैं, करेंगे इंशाल्लाह ताला। और पसमांदा समाज को, दलित समाज को साथ देना है, बिल्कुल देना है, उसमें कई काबिल लोग हैं जिनको भी जो ये चाहते हैं कि उनका पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट हो, उनको साथ लेकर हम काम करेंगे। पार्टी के नाम से इनिशियली लोगों को थोड़ा रिजर्वेशन होता है, मगर जब देखते हैं, हरी बातें हैं, समझते हैं, तो वो पश्चात और रिजर्वेशन दूर हो जाता है। सर ये एक फायदा तो है ना, मैं भी मानता हूँ कि शुजात पे और हम नंबर्स पे कभी हमने हुकूमत करी ही नहीं है, हमने नंबर्स पे कभी शुजात और करेक्टर पे हुकूमत करी है हमेशा अपने मामले में, मैं भी यही मानता हूँ, लेकिन नाम से फर्क तो बहुत पड़ रहा है ना। नहीं पड़ ठीक है सर, थैंक यू।